सो फाइनली वेलकम बैक। तो फिर जैसा कि मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था अच्छे क्वालिटी और अच्छे के लिए, तो अब मतलब अच्छे क्वालिटी और वीडियो के लिए, तो अपना फ़ोन गांव में पहुँचते ही अपने गांव में गांव पहुँचने से पहले अपना फ़ोन आ गया है। और ये है आपको दिखा दो अनबॉक्सिंग करके। अनबॉक्सिंग अब देसी स्टाइल में होगा चक्कू के साथ में। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, खोला देखता हूँ मोबाइल ही दिया है कि कुछ और नहीं दे दिया भाई तो आए पच के जाएगा। सो पैकिंग तो खुल चुका है ऑलमोस्ट या तो अब लग रहा है कि मोबाइल ही मिला है। हाँ बोल गया, अब लग रहा है कि मोबाइल ही मिला है। सो अपना फ़ोन रियलमी 8 प्रो, अब फुल HD क्वालिटी। चलो स्क्रिप्ट खोलते हैं पोर्टल होटल। तो अब उसका ओपनिंग करते हैं, वो भी गांव में, वो भी देसी स्टाइल में चक्कू के साथ में। अब कौन जाएगा यहाँ ब्लेड ढूंढने के लिए? कहाँ पे? लाल आमी मिल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, पहले चक्कू से ब्लेड पे आ गया है। ये मम्मी ने जुगाड़ बना के दिया है। तो खोलते हैं, धाड़ा धाड़ा सर। ये आ गया है इसे केस। वैसे एक्चुअली मुझे मैं केस दूसरा का खरीदूंगा, बड़े लोगों ने केस दे दिया है तो अच्छा है, मेहरबान है। मुझे केस जल्दी देते हैं। ये रहा मोबाइल, ये रहा। तो इसके वीडियोस और फोटोज़ आपको आगे मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। उसकी क्वालिटीज़ में दिखा दूंगा आपको आगे। सर इसका वीडियोग्राफी स्टेबिलिटी सब कुछ है एक्चुअली, सब मैं स्टेबलाइजेशन भी दिखा दूंगा, फोटोज़ भी दिखा दूंगा। अगर आप इसका बैक साइड देखोगे तो फिर देखो काफ़ी क्लासी लग रहा है, और लिखा हुआ डेयर टू लीव, देखो डेयर टू लीव। और इसमें 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। इसके बाद दिया है चार्जर, हाँ जी, ये दिया है डाटा केबल, बोले तो USB, देखो तो देखो और अचाओ। बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो कितना स्टेबल है। अभी मैं चल रहा हूँ और हिल भी रहा मोबाइल, तो भी देखो कितना स्टेबल है। एंड अब मैं दिखाता हूँ रनिंग में, कर रहा हूँ मैं रनिंग, अभी तक कितना स्टेबल है। ये फ्रंट का, वो भी बैक साइड का, ये वाइड एंगल में है। अभी मैं चल रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट बताओ कौन सा ज़्यादा बेटर है। एंड नाउ अब मैं करता हूँ रनिंग, और अब बताइएगा कि सही मतलब कैसा स्टेबलाइजेशन।